भक्त को कितना काम करना चाहिए। नर्मदा के नरम कंकर में उन्होंने चार लाइनें हैं, बहुत महत्वपूर्ण, सारे प्रश्न के जवाब मिल जाएंगे। मैं नर्मदा का नरम कंकर, मैं नर्मदा का नरम कंकर तुम्हारे चरणों में आ पड़ा हूं। मेरी कितनी औकात थी, मेरा कितना पुरुषार्थ था, मेरी एक ही तमन्ना थी कि मैं तुम्हारे चरणों तक, बस इससे ज्यादा मेरी कोई ताकत नहीं है। आगे देखो, मैं नर्मदा का नरंकर तुम्हारे चरणों में आ पड़ा हूं, चाहो तो मसल के धूल में मिला दो, चाहो तो गढ़कर मूर्ति बना दो, ये फैसला तुम्हारे हाथ में। चाहो तो मसल के धूल में मिला दो, मैं नहीं कह रहा हूं कि धूल में नहीं मिलो, हम मसल के धूल में मिलाओगे तो भी मेरे अवभाग्य हैं, धूल गिरेगी तो आपके चरणों में, और चाहो तो मेरी गढ़ के मूर्ति बना दो, ये निर्णय आपके हाथ में है, मैं नर्मदा का नरम कंकर तुम्हारे चरणों में आ पड़ा। अब देखना, ये है सच्ची भक्ति। अब देखना, गलत भक्ति हो रहा है, भगवान धूल में मत मिलाना, धूल में मत मिलाना, मेरा उद्धार करो, मेरी मूर्ति बनाओ, तुम्हारे बाप के नौकर हैं जो तुम्हारी बात मान जाए। अब मैं भाषा बोल रहा हूं, तुम कौन होते हो भगवान को आदेश देने वाले, वो बड़े हैं, वे पूज्य हैं, तुम ये कैसे कह रहे हो कि मेरा उद्धार करो, मेरा मूर्ति बना दो, मेरे दुख दूर कर दो, तुम्हारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। बड़ों से कोई भी कार्य करने का, आदेश देने का तुम्हें अधिकार नहीं है, लेकिन सूचना देने का अधिकार है कि नहीं, अपनी सूचना दो और भगवान की महिमा को इस ढंग से आप व्यक्त करो, उसमें तुम्हारी महिमा, तुम्हारी व्यथा भी आ जाएगा।